हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों आज हमारे पास आई है एक्टिवा। तो दोस्तों इतने दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था, मैं किसी काम में व्यस्त था इसलिए से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब अपलोड मैं हमेशा करता रहूँगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट किए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों इस समय आप हमारे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं और अपना जो सपोर्ट हम पर बनाए हुए हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों नई नई ट्रिक और नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर नई नई वीडियो आती रहेगी, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के हमारे पास एक्टिवा आई है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने चाबी लगाई और ऑन किया, तो दोस्तों ये देखिए गाड़ी ऑन हो रही है। ठीक दोस्तों ऑन हो रही है और गाड़ी में देखिए झटके लग रहे हैं और ये बंद हो जा रही है। ठीक दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम कैसे सही किया जाए सब कुछ एक सीरियल बाय सीरियल इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। दोस्तों इस तरीके की चीज़ पूरे यूट्यूब में किसी ने बताई होगी। दोस्तों सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देखते और बहुत से लोग देखते हैं, ये खोल देते वो खोल देते, हम लोग डायरेक्ट फॉल्ट पर जाते हैं। दोस्तों फॉल्ट पे जाने से ये होता है कि आपका समय बचता है और आपका जो है काम है आसानी से हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरीके का जो फॉल्ट होता है वो डायरेक्ट यूरो 2 से आता है। ठीक दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी बंद हो रही है या मिसिंग कर रही है तो एक बार आपको यूरो 2 चेक कर लेना है। इसमें यूरो 2 की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लीज़ वीडियो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक दोस्तों ये हम यूरो 2 इसका खोल लेते हैं, ये 210 नंबर बोल्ट से यूरो 2 हम खोल लेते हैं। जब ने यूरो 2 खोली है दोनों 10 नंबर बोल्ट से, और उसके बाद जो इसका ये कनेक्शन हटा देते कार्बोरेटर का, ये कार्बोरेटर से आता है एयर से। ठीक दोस्तों, और एक ये होता है फिल्टर से जुड़ा होता है। ठीक दोस्तों इसे भी निकाल देते हैं, और उसके बाद ये होता है फ्लेंज से ये वाला कनेक्टर, इससे हम रेस कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए पूरा यूरो 2 हमने ओपन कर रखा है, इसको हम खोल करके क्लीन करेंगे। क्लीन किस चीज़ से करेंगे, पेट्रोल से करेंगे। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं क्लीन करता हूँ। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसे साफ़ कर लेते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको खोल करके दिखाऊँगा और साफ़ करके भी दिखाऊँगा। ठीक दोस्तों वीडियो मत बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वीडियो के पसंद आया तो सपोर्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों इसको वॉश करने के लिए एक ऐसे ही पेट्रोल ले लीजिएगा कुप्पी में, ऐसे हम अच्छे से वॉश कर देंगे। और इसको इससे हमने साफ़ कर दिया। दोस्तों मेन पुर्जा ये होता है। ठीक दोस्तों, इससे हमको ओपन करना है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ये हमारा जो है लीड वाल दिक्कत देता है ये, और हमारी गाड़ी की जो है रेस कम ज़्यादा होती है। इसे हम ओपन कर लेते हैं, देख तो देखिए यहाँ से एयर जाती है और यहाँ से यहाँ निकलती है। ठीक दोस्तों, और इसे हम रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों इसे हम पेट्रोल से वॉश कर देंगे। दोस्तों कमी किस चीज़ में है, इसके ये होल में, ये जो होल होता है इसके इस होल में कमी है। इस होल में जो है एयर पास नहीं होती, तभी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक दोस्तों, तो इसका जो होल है इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे और यहाँ से पेट्रोल डाल करके देखेंगे इस के होल में आ रहा है कि नहीं पेट्रोल। देखिए दोस्तों बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है, तो इसे हम फूक फूक मार के इसको सही करेंगे। इसका जो ये होल होता है इसको ओपन कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होती है, खाली इसका जो होल है इसको ओपन कर लीजिएगा। ये हमने ओपन कर लिया पेट्रोल से धुल के, अब हमको क्या करना है इसको वापसी से इसको फिट कर देना है। ठीक दोस्तों, जिस तरीके से ओपन किया था वैसे ही फिट कर देना है इस तरीके से, और इसके पेच लगा देना है। दोस्तों यही मेन होता है जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी की जो एयर होती है वो पास नहीं हो पाती है, एयर पास नहीं हो पाएगी तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक दोस्तों, तो हमने इसको ये आपके सामने क्लीन किया है,
खाली इतना ही क्लीन करना है और ज़्यादा क्लीन नहीं करना है। और इस तरीके से क्लीन करके उनको इसको वापसी में बांध देना है। और एक चीज़ और दोस्तों, इसको भी ये वाला जो फ्लंज होता है इसमें भी हम पेट्रोल डाल के साफ़ कर देंगे थोड़ा बहुत, सब में हल्का हल्का पेट्रोल डाल देंगे। इनके बड़े होल होते हैं तो इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ये जो छोटे होल वाले होते हैं जितने उनमें प्रॉब्लम होती है। तो इसे हम अच्छे से झाड़ देंगे, इसको झाड़ दिया और जैसे हमने खोला था इसको ओपन किया था वैसे हम बांध देंगे इसको, पोज करके पूरा पोज देंगे, उसके बाद इसको हम बांध देंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसे हम जैसे ओपन किए थे वैसे ही इसके सारे कनेक्शन लगा देंगे, यूरो टू वाला, यूरो टू में। ये लगा दिया हमने और इसे भी हम लगा देंगे। ठीक दोस्तों, ये वाला एयर वाला जो पाइप होता है, एयर वाला पाइप इसमें लगेगा। ठीक दोस्तों, इसे भी हम लगा देते हैं। दोस्तों इसे हम लगा देते हैं इसमें और इस तरीके से इसको फिट कर देंगे। इस तरीके से फिट कर दिया दोस्तों, एक इसमें लगा देना, एक इसमें लगा देना और इसे हम जैसे ओपन किए थे वैसे ही इसको फिट कर देना 10 नंबर बोल्ट से। और ये ठीक दोस्तों, इसके लिए भी ये वाला जो पाइप होता है ये हम लगा देंगे, इसको इसमें फिट कर देंगे और इसको इसमें फिट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने फिट कर दिया। अब दोस्तों हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं, बंद हो रही है कि नहीं हो रही, झटके ले रहे कि नहीं ले रहे। ठीक दोस्तों, दोनों चीज़ की प्रॉब्लम सही कर देते हैं। तो देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है, पहले हमारी गाड़ी क्या हो रही थी, बंद हो रही थी, अब गाड़ी देखिए बंद नहीं हो रही है, बिल्कुल रुकी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले झटके ले रही थी और बुटबुट बुटबुट आवाज़ आ रही थी, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, ना ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को कहने मतलब ये है कि आप लोगों कभी भी गाड़ी में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, झटके की प्रॉब्लम आती है, गाड़ी बंद होने की प्रॉब्लम आती है, तो एक बार ये जो फ्लंज वाली पाइप होती है इसको चेक कर लीजिए, ये अगर लीकेज होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर वो सही है तो इसका जो इसको पूरा खोल करके क्लीन कर दीजिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से काम कर दीजिएगा तो आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक दोस्तों, तो एक बार फिर से ऑफ करके ऑन कर देते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमारे वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा।